दोस्तों 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जिसके बाद भारत का जो सिस्टम है उसमें बहुत कुछ बदल चुका है। अब भारत में 7 नहीं बल्कि 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं और अब भारत में 29 नहीं बल्कि 28 राज्य हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों का क्या नाम है। हम आपको सब कुछ दिखा देंगे शार्ट में, आप पूरा देखना। केंद्र शासित प्रदेश से पूरा परिचय करवाते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते थे, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव के कुल ज़िले, लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडुचेरी, ये 7 यूनियन टेरेटरी तो बहुत पहले से हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ है, वो क्या है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लेह लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं, यहाँ पर कोई भी ज़िले नहीं है, फिर भी ये जम्मू कश्मीर का जो है पड़ोसी अब ये बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले चर्चा में रहने वाले जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं और वो कौन कौन से हैं। चलिए आपको पूरा दिखा देते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में आतंकी घटनाओं एवं अन्य नामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ये ज़िले, जिनको आपने अक्सर सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में आज भारी गोलाबारी हुई, उधमपुर, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ज़िले हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें है कठुआ, पुंछ, श्रीनगर, अनंतनाग, यहाँ पर आपने सुना होगा। और इसके अलावा राजौरी भी पीछे नहीं है। यहाँ पर आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं और बहुत सारी जो है दंगा फसाद होते रहते हैं। पुलवामा में अभी बहुत ही दर्दनाक मतलब हमला हुआ था, आपने देखा होगा जल्दी में ही। तो ये जितने भी ज़िले हैं, कुपवाड़ा, बारामूला, अक्सर यहाँ से सभी जो हैं नाम में आते रहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कुल कितने ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी जनसंख्या क्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, उनका हेडक्वार्टर क्या है। तो पूरा देखना वीडियो को, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। चलिए, जम्मू कश्मीर पहला ज़िला है, आप देख सकते हैं, यहाँ शार्ट में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर ये जो है, ये पहला जो है ज़िले का नाम है, दूसरा हेडक्वार्टर है, तीसरा है क्षेत्रफल, चौथा है वहाँ की जनसंख्या। दूसरा है डोडा ज़िला, किश्तवाड़, राजौरी, सियासी, उधमपुर, रामबन, कठुआ, सांभा। यहाँ पर ये रामबन ज़िला जो है अक्सर बहुत कम ही चर्चा में रहता है, डोंडा ज़िला का भी नाम बहुत कम आता है। उसके अलावा पुंछ, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, ये सभी अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो पुलवामा का जो हेडक्वार्टर है वो पुलवामा ही है। पुलवामा का कुल क्षेत्रफल 1398 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 441,275। इसके अलावा श्रीनगर आप जानते हैं राजधानी, यहाँ पर 1972 यानी कि 1972 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितना है जानते हैं, 1,69,751। उसके आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम, तो आपको दिखाते हैं शोपियाँ ज़िला, बड़गाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से अगर आप इनको याद रखें तो आपकी जनरल नॉलेज के साथ साथ आपकी बहुत सारे परीक्षाओं में भी यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको जानना चाहिए। भले आपकी परीक्षा में ना पूछे जाएं लेकिन आपको आना तो चाहिए। तो इस तरह से आपने देख लिया जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं और वहाँ पे कौन से ज़िले में कितनी जनसंख्या, कितना क्षेत्रफल है। चलिए आपको हम और भी दिखा देते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की हालचाल। अब हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में। चलिए आपको दिखा देते हैं दिल्ली के कुल कितने ज़िले हैं, 11 ज़िले हैं और इन 11 ज़िलों की क्या है हालचाल। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। यह एक प्राचीन राजा दिल्लू से संबंधित है, इन्हीं के आधार पर इसका नाम दिल्ली रखा गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह देहली का एक विकृत रूप है, जिसका हिंदुस्तानी में अर्थ होता है चौखट, जो कि इस नगर की संभवतः सिंधु गंगा संभूमि के प्रवेश द्वार का सूचक है। जाने दीजिए, वो सब काम का नहीं है, जो काम का उसको देखिए। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पर आप देख लीजिए दिल्ली। सबसे पहला ज़िला जो है दिल्ली का वो है दिल्ली, और जिसका आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्षेत्रफल जो है 23.36 किलोमीटर स्क्वायर है,
यानी कि वर्ग किलोमीटर है, और जो मेन दिल्ली की जनसंख्या है कनाफ दिल्ली की, वो आपके सामने आ चुकी है 5,78,671। और यहाँ पर ये जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं, दो जगह लिखा गया है, मेरे कुछ समझ में कम आ रहा है यहाँ पर दो जगह क्यों लिखा गया है, तो आप लोग समझिएगा। आगे चलते हैं, फिलहाल ये जनसंख्या है, एक जगह बगल में भी कुछ दिया गया है, तो दोनों में अलग अलग कोई विशेष अंतर तो नहीं लग रहा फिलहाल। आगे चलते हैं, अगला है नॉर्थ दिल्ली। आप जानते हैं नॉर्थ दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, ये सभी दिल्ली के ज़िले का नाम है। तो नॉर्थ दिल्ली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सदर बाज़ार है, यहाँ का क्षेत्रफल 58.92, और ये हैं सभी पॉपुलेशन। ईस्ट दिल्ली, बेस्ट दिल्ली, ये ज़िलों के नाम हैं, चौंकिएगा मत, दिल्ली के ज़िलों के नाम हैं। चलिए आगे चलते हैं, साउथ वेस्ट दिल्ली, और फिर वही आ गया आपका कनॉट प्लेस दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये सभी दिल्ली के जो हैं वो ज़िलों के नाम हैं। आपने देख लिया 11 ज़िले हैं दिल्ली में, जहाँ पर आप समझ सकते हो नंबर 1, 2, 3, 4। और अगर आगे ले चलें आपको तो यहाँ पर आप गिनते जाइएगा 5, 6, 7, है ना। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं फ़िलहाल। वैसे तो यहाँ पर 11 ज़िलों के नाम नहीं दिए गए हैं, ठीक ना, दिल्ली में कुल 9 ज़िले हैं। ज़िले का प्रशासन जिला कलेक्टर या उसी रैंक का कमिश्नर देखता है। उत्तरी दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है, और कनॉट प्लेस जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है, तो ये आपने देख लिया ना। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अगला, जल्दी जल्दी से चलते रहिए फटाफट। तो दोस्तों इसके आगे जो भी और बचे हुए हैं उनको हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं फिलहाल, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद।